नमस्कार दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है दर्शकों कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम कृषि और बागवानी से जुड़े ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके और किसानों को आय में वृद्धि मिल सके लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो थोड़ा हटके और थोड़ा अलग है आज का हमारा विषय है कृषि वेस्ट मैनेजमेंट समस्या जिसमें हम जानेंगे कि कृषि के क्षेत्र में हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वेस्ट को मैनेज करने में और उस समस्याओं का हम समाधान कैसे कर सकते हैं और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी से पर्यावरण विज्ञान विभाग के सह आचार्य डॉक्टर प्रतिमा वैद्य जी मैम आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद समृति मैम आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट मैनेजमेंट में कि कृषि में किस तरह से वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वेस्ट आखिर क्या होता है और ये चिंता का विषय क्यों है प्यारे दर्शकों वेस्ट बहुत ही जाना पहचाना शब्द है अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो वेस्ट वो पदार्थ है या वो मटीरियल है जो किसी भी कार्य या किसी संस्थान से निकलता है और जिसका डायरेक्ट यूज नहीं है जी ठीक है तो डायरेक्ट यूज़ नहीं है तो उसे हमें किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या उसे अनवांटेड मटेरियल है जिसे फेंकना ज़्यादा इजी ऑप्शन है जी तो अगर हम वेस्ट की बात करें तो आ, अलग अलग सोर्सेज से जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग संस्थानों से जो वेस्ट निकलता है उसके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होते हैं Uh, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं जो सबसे मेजर हमारे पास इशू आता है डोमेस्टिक वेस्ट जो कि घरों से निकलने वाला वेस्ट है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट तो वो हाइली हिट्रोजिनस नेचर का होता है उसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर या किचन वेस्ट जिसे हम बोलते हैं वो अलग होता है पेपर प्लास्टिक मेटल ग्लास इवन Uh, जो हमारी मेडिसिन हैं एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं या हमारी इलेक्ट्रिकल uh, अप्लाइंस uh, 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 है सब कुछ उसी में हम लोग मिक्स कर देते हैं तो वो एक तरह का वेस्ट है उसके अलावा अदर अल, अल, अलग अलग तरह के वेस्ट में आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट खेती से निकलने वाला वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट, वेस्ट माइनिंग वेस्ट तो ये अलग अलग प्रकार के वेस्ट होते हैं जी तो मैम जैसे आपने बताया कि जो वेस्ट है वो अनवांटेड मटेरियल होता है जिसका हमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं तो वेस्ट मैनेज Management क्या है और इसका क्या महत्व है और हम वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं जी तो जब हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये इसके कुछ सिद्धांत हैं जी तो अगर मैं पॉइंट वाइज उन सिद्धांतों की बात करूँ तो सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट में है कि हमें वेस्ट प्रोड्यूस ही नहीं करना है जो कि अगर हम आम जिंदगी में देखें वो थोड़ा सा नामुमकिन है जी, तो अगर हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मिनिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें जी अगर Uh, आप मिनिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उसे रीयूज करें रिसाइकिल करें और उसके बाद अगर आप अगर फिर भी कुछ वेस्ट uh, मटेरियल बचता है तो फिर आप इंसिनरेशन uh, या फिर आप लैंडफिल के लिए जा सकते हैं तो मुख्यतः तीन सिद्धांत वेस्ट मैनेजमेंट के हैं रिड्यूस रीयूज एंड रीसाइकिल जो कि मैंने अभी आपको बताया जी तो मैम जैसे आपने बताया था कि जो वेस्ट uh, है उसके अलग अलग सोर्सेज से आता है जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया दवाइयों का हो गया किचन वेस्ट हो गया hmm. तो जो ये अलग अलग से वेस्ट आता है क्या उनको मैनेज भी अलग अलग तरीके से करना पड़ता है या फिर इनका मैनेज करने का तरीका एक ही है uh, जी, जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट अलग अलग तरीके के वेस्ट के लिए अलग अलग मैनेजमेंट फैसिलिटीज uh, हैं जी कभी भी आ, किसी भी आ, एक सोर्स के वेस्ट को दूसरे सोर्स से मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो हाईली हिट्रोजिनस वेस्ट है उसे हमें अ, अलग तरह से उसका निष्पादन करना है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो हॉस्पिटल से निकलता है उसके लिए अलग प्रक्रिया है और एग्रीकल्चर वेस्ट है डिपेंडिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ये निर्भर करता है कि हमने किस तरह से उसका मैनेज या मैनेजमेंट या प्रबंधन करना है जी जी तो मैम जैसे अगर हम आ, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वेस्ट मैनेजमेंट करते समय या करने से पहले हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जी आ... ये बहुत अच्छा और बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है आज के सिनारियो में जी अगर हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें मैंने आपको बताया इसका जो कॉम्पोजिशन है इसमें बहुत अलग अलग तरह का मटीरियल मिल पाया जाता है जी अगर मैं उदाहरण के लिए बात करूं जो हमारा एवरेज सॉलिड वेस्ट घरों से निकलता है उसमें 40 से 60 प्रतिशत के बीच में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसका हम खाद बनाने में यूज़ कर सकते हैं जी उसके अलावा पेपर प्लास्टिक वेस्ट uh, ये सब इसमें मटेरियल रहता है जी. तो uh, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पे मैनेजमेंट uh, में आती है वो है इन सभी का जो uh, uh, निष्पादन है वो अलग अलग प्रक्रियाओं से किया जाता है जी. तो सेग्रीगेशन जो पृथकीकरण की बात करते हैं uh, सरकार ने भी बहुत बड़े लेवल पे ये मुहिम चलाई हुई है जी. तो एट सोर्स सेग्रीगेशन होनी चाहिए Uh, जिससे कि uh, जो रिसाइकलेबल वेस्ट है उसे हम रिसाइकल कर सकें जो हमारा घरों से uh, जो किचन वेस्ट निकलता है उसका कंपोस्ट बनाने के लिए या मिथेन बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकें और uh, Uh, साथ में वो हम uh, जैसे ई वेस्ट एक अलग कैटेगरी का वेस्ट है जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस यूज़ करते हैं या मोबाइल या सेल uh, यूज़ uh, करते हैं इसे अलग इसे कभी भी म्यूनिसिपल वेस्ट में मिक्स uh, नहीं करना चाहिए तो वेस्ट सेग्रीगेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम uh, है और वेस्ट जनरेशन जो है जैसे हमारा लाइफ साइकिल लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है और हम उपभोक्ता uh, की तरफ जा रहे हैं तो वेस्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो मैनेजमेंट से पहले हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा अगर मैं बात करूँ जो घरों से निकलने वाला वेस्ट है तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं जी तो मैम आपने सोर्स सेग्रीगेशन की बात की कि जहाँ पे सोर्स के थ्रू ही सेग्रीगेशन हो तो उससे हम क्या समझ सकते हैं सोर्स में कैसे सेग्रीगेशन कर सकते हैं सोर्स जी तो आ, आपने सुना होगा आ, गीला कचरा या सूखा कचरा जी तो गीला कचरा यहाँ पे सारा वो ऑर्गेनिक वेस्ट है आ, जिसमें आपके किचन वेस्ट जैसे कि फलों के छिलके सब्जियों के छिलके या वो सारा वेस्ट जिसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं वो आता है जी। आ, उसके अलावा रिसाइकलेबल वेस्ट जो भी पॉलिथीन है आपका कागज़ है मेटल है ग्लास है तो वो आपको अलग कैटेगरी में रिसाइकलेबल वेस्ट में करना चाहिए और उसी के अलावा जो इलेक्ट्रिक वेस्ट की मैं बात करी इलेक्ट्रिकल वेस्ट हम लोग मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस यूज़ करते हैं अगर उसका काम आ, वो एज अ वेस्ट हो गया तो उसे हमें अलग से रखना चाहिए जी तो मैम जैसे आ, सोर्स में अगर सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं घरों में आपने गीले कचरे और सूखे कचरे की बात की तो कैसे ये डिफाइन करेंगे कि गीला कचरा क्या है सूखा क्या है अगर जैसे मान लो गीला प्लास्टिक है क्या वो गीले कचरे में आएगा या सूखे कचरे में आएगा या फिर जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी हुँ. होते हैं किस तरह से लोग हैं जो अपने घरों में ये अलग कर सकते हैं जी तो आपने अभी बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है क्योंकि जब हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं और गीले कचरे में बहुत लोग क्या करते हैं जो दूध के पैकेट आते हैं वो किचन वेस्ट है तो उसे वो गीले कचरे में या गीला पॉलीथीन या गीला कागज़ है वो सारा गीले कचरे में चला जाता है इवन सैनिटरी पैड्स वो गीले कचरे में चले जाते हैं लेकिन गीले कचरे में स्पेसिफिकली वही आपका पदार्थ जाएँगे जो डिकम्पोज हो सके जैसे किचन वेस्ट किचन वेस्ट में मैंने आपको बताया सब्जियों के छिलके या मूंगफली के छिलके अखरोट के छिलके इस तरह की चीज़ें जो आप इजीली आप उसको डिकम्पोज करके खाद में परिवर्तित कर सके अगर इसमें आप दूध के पैकेट या एल्यूमिनियम फॉयल भी मिला देंगे तो जो आप खाद बनाएंगे उसमें ट्रेस मेटल्स और हैवी मेटल्स और माइक्रो आने के चांसेस हो सकते हैं तो इसीलिए हमें बहुत ये हर सिटीजन हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि इस बात को समझे और सेग्रीगेशन बहुत अच्छे से करें क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे हमें आ, करना पड़ेगा जी, जी तो मतलब जो सूखा गीला कचरा है उसमें केवल वही आएगा जैसे सब्जियों के छिलके हो गए और आ, मूंगफली के जैसे आपने बताया केवल वही आएंगे जिसको इजिली डिकम्पोज करके खाद बनाई जा सकती है तो मैम जो कृषि में अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो क्या है और उसकी क्या आवश्यकता है आजकल के परिवेश में और किस तरह की चीजें उसमें इंक्लूड की जा सकती है देखिए जब हम कृषि वेस्ट की बात करते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करते हैं तो ये आज आने वाले समय में ये आ, एक बहुत बड़ी मुश्किल बन के आ रही है जी अगर हम नॉर्थ के प्लेन्स की बात करें वो आपने सबने पराली से आ, जो प्रदूषण होता है उसके बारे में हम सब ने सुना है जी, अगर हम हमारे प्रदेश की बात करें हिमाचल प्रदेश में जो कि कृषि प्रधान देश है अगर मैं बोलूं बागवानी प्रधान देश है जी। आ, बहुत आ, बड़ा जो क्षेत्र है आ, उसमें सेब आ, गुटलीदार फल, फलों की खेती की जाती जी, है जी। तो उसमें जो कांट छांट के दौरान जो प्रूनिंग वेस्ट या जैसे हम छिटियाँ भी कहते हैं वो जनरेट होता है वो भी एक तरह का एग्रीकल्चर वेस्ट होता है या फिर जो हमारे हज़ारडस वेस्ट की कैटेगरी में या टॉक्सिक वेस्ट की कैटेगरी में वो वेस्ट आता है जैसे जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं उसके आ, जो कंटेनर्स होते हैं या जो प्लास्टिक जनरेट होता है वो या फिर जो आप सब्जियों का क्योंकि एग्रीकल्चर में या खेती में या बागवानी में हम मेन प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट हैं जो बाकी उसके अलावा जो भी मटेरियल निकलता है वो सारा वेस्ट कैटेगरी में आता है जी और आ, ये ज़्यादा प्रॉब्लम ये इसलिए है क्योंकि अब हम लोग मोनोक्रॉपिंग मौ, की तरफ जा रहे हैं तो मोनोक्रॉपिंग में अगर आ, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हमारे पास वेस्ट जनरेट होता है तो उसके प्रबंधन की दिक्कत किसानों को आ, उसका सामना करना पड़ता जी। है जी जी तो मैम ये मोनोक्रॉपिंग क्या है जैसे आपने बताया कि मोनोक्रॉपिंग की वजह से जो वेस्ट है ज्यादा जनरेट होता है तो मोनोक्रॉपिंग क्या है ये जैसे एक तरह की फसल लगाना जैसे अगर हम सेब की बात करें तो एक जैसे हमारे शिमला वाले कुछ एरिया उसमें सेब की ही फसल लगाई जाती है ठीक है तो जब प्रूनिंग होगी तो उसमें बहुत लार्ज अगर मैं बात करूँ सेब की अगर हम बात करें तो एक लाख हेक्टेयर के, के करीब क्षेत्र में सेब लगाया जाता है और एक पेड़ से जो आ, मध्यम आयु का पेड़ होगा उसमें पंद्रह से सत्रह किलो के करीब एक पेड़ में प्रोनिंग वेस्ट निकलता, निकलता है तो है हर साल आ, आप देखिए दो लाख टन्स के करीब में आपका वेस्ट जनरेट होता है हर साल जी तो इतने बड़े क्वांटिटी में जब वेस्ट जनरेट होता है तो आ, किसानों के पास उसको जलाने के अलावा कुछ पोर्शन 10 से 20 परसेंट वो अपने घरों में ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं या छोटी जो आ, उसकी पत्तियाँ होती है वो फॉर्डर के रूप में यूज़ करते हैं बट क्योंकि वो बल्क में मटेरियल है तो उसे वो मोस्टली जला दिया जला जाता है।, है तो उससे काफ़ी पर्यावरण को भी और स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान होता है जी तो मैम जैसे आपने बताया कि इतना ज़्यादा जो वेस्ट है जनरेट होता है स्पेशली प्रोनिंग से जैसे छिट्टे भी जा है तो किसान है जो इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं जी तो आ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूँगी कि जो वेस्ट है एग्रीकल्चर वेस्ट की अगर हम बात करें अगर हम इसे बहुत अच्छे से प्रबंधन इसका करते हैं तो आ, ये जो पोषक चक्र है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है जी, तो ये जो हमारे आ, आ, प्रूनिंग वेस्ट है इसका कंपोस्टिंग के थ्रू इसको मल्चिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं बायोचार बना सकते हैं जी आ, तो इस तरह से इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं जी तो मैम आपने बताया कि इसको मल्चिंग बना सकते हैं बायोचार बना सकते हैं तो उसकी विधि क्या है किस तरह से ये बना सकते हैं किस तरह से जो ये छिट्टे हैं या फिर और जो कृषि का अवशेष बचते हैं उसका डिकम्पोज कैसे किया जा सकता है देखिए इसमें दो चीज़ें आती है नंबर एक पे तो कंपोस्टिंग ठीक है कंपोस्टिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग जैसे केंचुआ खाद के साथ बनाया जाता है या एरोबिक या कंपोस्टिंग से भी किया जा सकता है जी। तो आ, ये दो तो मेथड्स हैं कंपोस्टिंग के इसके अलावा आ, मल्चिंग के लिए उसे श्रेडर की हेल्प से छोटे छोटे आ, साइज uh, में उसे uh, काट दिया जाता है okay? uh, आधे इंच का uh, उसको काट के फिर आप उसे एज अ मल्च यूज़ कर सकते हैं जी. और कंपोस्टिंग uh, के लिए भी ये सुझाव दिया जाता है कि पहले उसे छोटे पार्टिकल में uh, उसे काट दें दे 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 और दे. उसके बाद उसे uh, जो uh, फार्मयार्ड मेन्यर है या आपका गोबर है उसके साथ मिक्स करके हम इसकी कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं आ, वर्मी कंपोस्ट की सहायता से भी और दूसरे जो ट्रेडिशनल मैथड्स है उसकी सहायता से भी बट इसमें एक जो प्रॉब्लम किसान फेस करते हैं वो है क्योंकि इसमें लिग्निन और सेलुलर्स बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है तो उसके लिए इसमें हम लिग्निन डम्पोजर्स यूज कर सकते हैं जो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल भी हैं तो उसकी सहायता से इसे हम बहुत आसानी से डिकम्पोज कर सकते हैं जी तो मैम जैसे आपने बताया कि डिकम्पोज कैसे इसको कर सकते हैं और ईजिली इस, कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं लेकिन अगर जो ये वेस्ट है उसका सही से मैनेजमेंट या प्रबंधन ना किया जाए तो इससे स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं जी तो जैसा कि मैंने बताया आपको क्योंकि प्रबंधन आ, की फैसिलिटीज अभी या अवेयरनेस जागरूकता इसकी कम है जी तो कई किसान आ, जो प्रूनिंग वेस्ट है उसको जला देते हैं जी तो जलाने से एक तो क्या होता है आपकी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नॉक्स गैसेस के साथ साथ पार्टिकुलेट मैटर जो कि बहुत सूक्ष्म सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो भी निकलते हैं जी तो uh, जैसे पीएम एम टेन पी टू पॉइंट फाइव Uh, जिसे हम कहते हैं वो भी निकलते हैं तो ये जब पार्टिकल्स हवा के साथ हमारे अंदर जाते हैं हमारे फेफड़ों में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं तो ये uh, सांस लेने से रिलेटेड uh, uh, दिक्कत पैदा करते हैं आ, आ, खास रूप से उन लोगों में जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको पहले से सांस से रिलेटेड दिक्कतें हैं उनमें और छोटे छोटे सूट पार्टिकल्स जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर है वो कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं तो इसे जलाना पर्यावरण के दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी हानिकारक है जी तो जैसे अगर हम छेप की छंटाई या जो वेस्ट बचता है उससे कौन कौन से जैसे और समस्याएं आती है और किस तरह से इसका सही अगर हम कहें तो सही तरीका क्या है इसको डिकम्पोज करने का आ, जैसे आप, आप और समस्याएं जो है आज की आज के परिवेश में क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग ये सब इस, इसके इफेक्ट से कोई भी अछूता नहीं रहा है। जी जी तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश बहुत सेंसिटिव एक इकोसिस्टम है बहुत फ्रिजाइल इकोसिस्टम है है तो जब हम इन्हें जला रहे हैं या कोई भी पेड़ है कोई भी प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है उसे अपने अंदर अवशोषित करते हैं जी। और अपने प्लांट्स के अंदर वो स्टोर करते हैं तो जब हम उसे जला रहे हैं तो वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज होकर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है और वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है जिसका कॉन्सिक्वेंस या जिसका इफेक्ट जो है वो हमारे डायरेक्ट एग्रीकल्चर और सभी क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट सभी चीज़ों पे हमारा हमें देखने को मिलता है जी तो अगर हम इसका प्रबंधन आ, चाहे वो कंपोस्टिंग के थ्रू करें या बायोचार के थ्रू करें या हमलचिंग के थ्रू करें तो हम डायरेक्टली वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं कर रहे हैं तो ये क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने का भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिससे हम आ, आ, इसके आ, इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं जी जी तो इसके इफेक्ट्स को जिस तरह से आपने बताया कि कम कर सकते हैं लेकिन जैसे हम डिकम्पोज कर रहे हैं ये सारी चीजें और या फिर इसका हम पोस्ट बना रहे हैं तो उसका भूमि पर या अगर हम कृषि की हुँ, मिट्टी पे आ, की बात करें तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है इसका क्या असर होता है जी आ, मिट्टी के लिए तो वेस्ट वरदान है जी ठीक है तो जो जो भी मिट्टी है या सोइल है उसका एक इकोसिस्टम एक होता है उसमें पोषक चक्र चक्र जिसे हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी कहते हैं तो प्लांट अपने न्यूट्रिशन के लिए जो पोषक तत्व है वो मिट्टी से ले रहा है जी तो आ, और वो मिट्टी से लेके अपने प्लांट पार्ट्स में स्टोर कर रहा है तो जब आप उसे वापस मिट्टी में डाल रहे हैं वो डिकम्पोज होके वो बहुत अच्छे माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स बनता है इसी के साथ साथ में ऑर्गेनिक कार्बन जो कि मिट्टी की हेल्थ को बन सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है जी। तो जब ऑर्गेनिक कार्बन हम सॉइल में इसे कंपोस्ट या मल्च के रूप में डाल रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक कार्बन को भी बढ़ाता है सो अगर किसान भाई इसका यूज़ कृषि में एज अ कंपोस्ट करते हैं या फिर एज अ मल्च करते हैं तो वो ऑर्गेनिक कार्बन के स्टोर को बढ़ा रहे हैं जो कि सॉइल को बहुत उपजाऊ बनाते हैं जी जी और जिसकी वजह से जो है वो एक खाद का काम तो कर ही रहा है और जो भी उत्पादन भी उससे कृषि का जो है और धीरे धीरे इसके साथ में एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि इसके साथ साथ में हम जो केमिकल फर्टिलाइजर है उस पर डिपेंडेंस भी अपनी कम कर सकते हैं इसका मेन्योर बना के जी तो मैम जैसे अगर हम खाद्य प्रसंस्करण की बात करें फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसमें जो वेस्ट निकलता है उसको किस तरह से हम प्रबंधन कर सकते हैं जी फूड प्रोसेसिंग वेस्ट भी एक नया वेस्ट हमारे सामने uh, आया है और जिसके लिए भी हम लोग कंपोस्टिंग जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट के uh, तरीके हैं जिसमें कंपोस्टिंग है बायोफ्यूल जनरेशन है या आपका बायोगैस जनरेशन है बायो जनरेशन है तो इसके ऊपर हम स्टार्टअप्स भी uh, जो आज के युवा हैं वो इसके ऊपर स्टार्टअप्स भी प्लान कर सकते हैं इसके अलावा uh, जो uh, खाद्य इंडस्ट्री से या एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस निकलता है उसकी पैलेट्स या ब्रिकेट्स बना के हम इंडस्ट्रीज में ईंधन के रूप में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बहुत सिग्निफिकेंट uh, स्ट्रैटेजी है जी, जी. तो मैं जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो गांव में है या फिर लोगों का जो है पशुपालन काफी कम हो गया है जिसकी वजह से जो खेतों में घास होता है उसके लिए लोगों को पता नहीं है कि क्या करें तो उसको किस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा उनके पास घास जमा हो जाता है जी ये सारा आपका जो डिफरेंट मेथड्स हैं कंपोस्टिंग के जैसे मैंने अभी आपको बताया वर्मी कंपोस्टिंग जैसे केंचुआ खाद कहते हैं तो आप अपने खेतों में एक कृषि किसान भाई अपने खेतों में एक गड्ढा बना के उसमें थोड़ी सी सॉइल थोड़ा सा गोबर और साथ में जो भी आपका घास है या जो भी अवशेष है वो आप ऐड करके उससे कंपोस्ट में बदल सकते हैं उसके अलावा जो हम लिग्निन रेजिड्यू की भी बात रहे थे तो उसमें भी थोड़ा सा क्रॉप रेजिड्यू आप डाल सकते हैं और उसको कंपोस्ट बना सकते हैं ये तो एक मेथड हो गया दूसरा इसका तरीका है आप तो सिंपल एक एक गड्ढा खोद दीजिए उसमें आप थोड़े से गोबर के साथ में या गोबर की स्लरी के साथ में आप अपना क्रॉप प्रेजिड्यूट डाल दीजिए वो भी वहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा तो वो भी आप इजीली खाद बना सकते हैं जो कि मार्केट से आपके ऑर्गेनिक कार्बन के जो हम सब्सिट्यूट अब ले रहे हैं उसका एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है जी, जी। रिप्लेसमेंट भी है और लोगों जो किसान है उनको कोई भी पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है ये आपने बिल्कुल ठीक कहा ये तो वेस्ट टू रिसोर्स वेस्ट से संपदा की तरफ जो है हम बढ़ सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं है वेस्ट का बट इनडायरेक्टली हमें ये अब समय की मांग है कि हमें इनडायरेक्टली उन तरीकों को सोचना पड़ेगा और उन्हें अपने लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे उसे अपनाना पड़ेगा तभी हम वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ कुछ कर सकते हैं जी, जी। तो मैम जैसे जो किसान है वो मिक्स क्रॉपिंग भी करते हैं अलग अलग फसलें भी उगाते हैं जैसे दाल हो गई सब्जियाँ हो गई तो उसके जो वेस्ट बचता है वो छिट्टे जो हैं हम कहते हैं जो पेड़ सेब की कटिंग या निकलते हैं तो उसको को डिकम्पोज करने में क्या उनका रोल रहता है जी ये बहुत स्पेसिफिक जो आपने बात की विशेष रूप से जो पल्सेस हैं या दालें हैं जो हम कई बार देखते हैं आ, बगीचों में मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है जिसमें पल्सेस या दालें भी लगाई जाती हैं तो उस आ, जो उनका रेजिड्यू बचता है इंक्लूडिंग द रूट्स वो जड़ों के साथ में वो बहुत अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का तो ये रिकमेंडेड है कि आप आ, कुछ पोर्शन फोर इज़ टू वन इज़ टू वन चारू तो एक इस टू तो एक के अनुपात में जो आपका प्रूनिंग रेजिड्यू है और साथ में आपकी खाद है जो आपकी कंपोस्ट है या फिर जो आपका गोबर है वो और उसके साथ में जो ये घास के रेजिड्यूज हैं या पल्स के रेजिड्यूज हैं वो डाल सकते हैं उसके साथ में आ, उसके सी एन रेशो को मेनटेन करने के लिए यूरिया फाइव परसेंट यूरिया या फिर आप लिग्निन डिकम्पोजर का यूज कर सकते हैं जी तो मैम जैसे अगर बहुत सारे जो फसलें हैं तो उसमें बीमारियां भी लगती हैं तो अगर बीमारी वाला कोई पौधा है या कोई ऐसे सूखे पत्ते हैं जिसमें पहले बीमारी लगी हो क्या उनका भी डिकम्पोज जो नॉर्मल हमारे पास दूसरा वेस्ट है उन्हीं के साथ किया जा सकता है या फिर उसको डिकम्पोज करने का कोई अलग तरीका है जी। तो मैंने आपको आ, आ, वेस्ट प्रबंधन में ये बताया था कि जो भी रिसाइकलेबल पार्ट है उसे हम कंपोस्ट बनाएंगे लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि ये बीमारी फैला सकता है या कोई आ, रोगी पार्ट है तो उसका मैनेजमेंट हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें आ, या तो आप उसे साइड में चला दीजिए या फिर उसे एक अपने बगीचे के या अपने खेत के किनारे में या उससे बाहर जिससे कि बाकी पेड़ों को बीमारी ना फैले तो बाहर एक गड्ढा खोद के वहाँ पे आपको लैंडफिल जिसे हम कहते हैं वो करना पड़ेगा जी अदरवाइज अगर आपका स्वस्थ पेड़ है स्वस्थ प्रूनिंग वेस्ट है तो फिर उसका आप डायरेक्टली कंपोस्टिंग आप कर सकते हैं जी, जी। तो मैम आपने जैसे बहुत अच्छी बात बताई है कि किस तरह से हम जो है वेस्ट को है वो मैनेज कर सकते हैं डिकम्पोज कर सकते हैं और जो बीमारी वाले पौधे हैं उनको हमेशा हमें अलग से ही रखना चाहिए जिससे वो जो कम, हम कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें वो मिक्स ना हो सकें तो आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और हमारे स्टूडियो में आने के लिए अपना वक्त निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि जो आपने जानकारी दी है उससे जो लोग हैं लाभ प्राप्त करेंगे और उन स्टेप्स को फॉलो भी करेंगे तो दर्शकों आज के कार्यक्रम में हमने कृषि में वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने मैम से जाना और हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी से लाभ प्राप्त करेंगे और आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगले अंक में एक नए विषय के साथ तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल नमस्कार, नमस्कार.